क्लास 10 में राजनीतिक शास्त्र के बारे में बताया गया था। क्लास 10 के राजनीतिक शास्त्र में बताया गया था नगर का प्रमुख अंग या नगर निगम का भी आप लोग बोल सकते हैं, नगर निगम का प्रमुख अंग भी आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे नगर निगम का प्रमुख अंग भी आप लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं नगर निगम का प्रमुख अंग बताया गया है। बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग होते हैं। आप उसका प्रमुख अंग कौन कौन सा होता है, नगर निगम का प्रमुख अंग के बारे में आज हम लोग को जानना है। उसमें हम लोग को बिहार नगर निगम के बारे में और उसके अंग के बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी है। आइए हम लोग इसका बताते हैं इसका कितना अंग है। एक नंबर लिखा गया है नगर परिषद, पहला होता है नगर परिषद, चल रहा है आप रात दीजिए देखते रहिएगा, नगर परिषद दूसरा हो जाएगा, पहला हो जाएगा नगर परिषद, उसको नहीं तो ऊपर वाला रखिए, पहला हो जाएगा नगर परिषद, दूसरा का हो जाएगा सशक्त स्थानीय समिति, सशक्त स्थानीय समिति, तीसरा होता है परामर्शदात्री समितियां, चौथा हो जाता है आपको नगर आयुक्त। ये हम लोग का हो जाता है नगर निगम के प्रमुख अंग, ये हम लोग का हो जाता है नगर निगम के प्रमुख अंग। तो नगर निगम के चार प्रमुख अंग बताए गए हैं, एक नगर परिषद, सशक्त स्थायी समिति, परामर्शदात्री समिति और नगर आयुक्त समिति के बारे में हम लोग को जानना है। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर नगर समिति के बारे में हम आप लोग को बताते हैं। सर नगर निगम, निगम परिषद, नगर परिषद नहीं होता है, निगम, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, निगम निगम परिषद होता है, निगम परिषद देखना है। अब हम लोग देखना है निगम परिषद, निगम परिषद जो होता है, निगम परिषद जिस क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसको विभिन्न वार्डों में बांट दिया
जाता है तथा उसी निगम परिषद परिषद उसी निगम परिषद के मत उसी नगर परिषद के वोटर द्वारा सदस्य को निर्वाचित किया जाता है उसे पार्षद या काउंसिलर पार्षद या क्या बोला जाता है उसको काउंसिलर कहते हैं। अब आप लोग समझिएगा नगर निगम जो क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसको कई वर्गों में बांट दिया जाता है, उसको कई वर्गों में क्या कर दिया जाता है बांट दिया जाता है और बांटकर वहां के मतदाताओं द्वारा क्या होता है अपना निर्वाचित सदस्य को या माने कि अपना सदस्य को क्या करती है निर्वाचित करती है। जो सदस्य निर्वाचित यानी मतलब चुनाव जीत कर जाता है उसे वार्ड परिषद सॉरी पारिषद या काउंसलर कहते हैं उनको क्या होता है वह सदस्य माना जाता है, उनको निर्वाचन आयोग द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है बताया जाता है। अगला स्टेप में बताया जाता है नगर निगम परिषद के सभी सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्षों के होते हैं। कितना वर्षों के होते हैं 5 वर्षों के होते हैं। कितना वर्षों के होते हैं 5 वर्षों के होते हैं। निगम परिषद की बैठक स्थानीय संसद या विधायक द्वारा द्वारा किया जाता है। नगर निगम की बैठक स्थानीय संसद या विधायक द्वारा किया बैठक द्वारा कराए जाते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए कराया जाते हैं।
आगे कहाँ है? पौर और महापौर का चुनाव, महापौर और उप महापौर का चुनाव। महापौर और उप महापौर का चुनाव निगम परिषद के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। आप यहाँ पे महापौर का मतलब क्या होता है और यहाँ पे होता है उप महापौर का मतलब क्या? महापौर का मतलब होता है जिस जिस अब देखिए पौर या महापौर और उप महापौर का चुनाव वही लड़ सकता है जो नगर सॉरी निगम परिषद का सदस्य होगा। निगम परिषद का सदस्य हो गया वही चुनाव लड़ सकता है, अगर नगर सॉरी निगम परिषद का अगर का सदस्य नहीं है तो वह चुनाव नहीं होता है। अब उसी में से क्या किया जाता है जो वो सदस्य उठाया जाता है, ठीक है ना। जिस निगम परिषद में अधिक वोट मिलते हैं उसे महापौर, और जिसमें कम वोट मिलते हैं उसे उप महापौर कहते हैं, उसे उप महापौर का करते हैं कहते हैं। यानी चुनाव करने का है महापौर और उप महापौर के बारे में, तो आप लोग समझिएगा कि महापौर और उप महापौर का चुनाव कौन करता है, तो नगर परिषद के सदस्य करता है, सॉरी निगम परिषद का सदस्य करता है। कौन करता है? निगम परिषद का सदस्य करता है। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। आ देखिए ये नगर परिषद या महापौर का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। उप महापौर का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ये कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब देखिए क्या होता है, आप लोग बताया जाए कि जब निगम परिषद की बैठक बुलाई जाती है तो उसका अध्यक्षता कौन करता है? महापौर करता है। कौन करता है? महापौर करता है। और महानगर के महापौर की अनुपस्थिति में उप महापौर करता है। यानी कहने का मतलब ये लगाता है किसी भी बैठक के अध्यक्षता ये करता है, लेकिन अगर जब ये नहीं रहता है तो क्या किया जाता है? महापौर को उप महापौर को क्या किया जाता है? सौंपा जाता है। इसका देख रेख कौन करेगा? तू करेगा। इसका देख रेख कौन करेगा? तू करेगा। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप देखना है महापौर और उप महापौर
महापौर और उप महापौर के बारे में अब हम लोग क्या जानना है, तो उससे पहले हम लोग को जानना है सशक्त स्थानीय समिति, सशक्त 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 भाई साहब ना सुधर में उड़ रहा ना हम नहीं सुधरे अरे अरे तो कह दो ऐसे ही कुछ नहीं हम जाने पता है क्या सशक्त सशक्त स्थानीय स्थानीय है समिति स्थानीय समिति घर में लगाओ बताया गया है सशक्त स्थानीय है समिति में बताया गया है। ये क्या होता है यहाँ नगर निगम, यहाँ नगर निगम परिसर के बाद नगर परिषद के बाद नगर निगम का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है महापौर और उप महापौर, महापौर और उप महापौर इसका सदस्य होते हैं। यानी कहने का मतलब बताया गया है कि नगर निगम के बाद नगर परिषद के बाद नगर निगम का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है महापौर और उप महापौर इसका सदस्य होते हैं। यानी मतलब कहने का मतलब ये बताया गया है कि उप महापौर जो है महापौर जो है ये इसका भी सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल भी 5 साल के होते हैं। इनका भी कार्यकाल कितने साल के होते हैं 5 साल के होते हैं। इनके कार्यकाल कितने साल के होते हैं 5 साल के होते हैं। बताया जाता है कि नगर परिषद के सभी प्रमुख कार्य सशक्त समिति द्वारा होता है सशक्त समिति द्वारा होता है। इसमें कुछ अन्य कर्मचारी या अन्य सदस्यों को आयुक्त द्वारा नियुक्ति की जाती है।
तो नियुक्त की जाती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बताया गया है यहाँ पे परामर्श परामर्श दात्री समितियाँ, इसका मतलब क्या होता है आप लोग समझिए। नगर निगम के जितने भी सदस्य होते हैं वह सभी अपने विषय पर चर्चा करते हैं और नगर आयुक्त को इस पर निर्णय लेने को कहते हैं। इसके बाद नगर आयुक्त सभी सदस्यों का बात सुनकर जिस विषय पर कार्य करना होता है वह स्वयं कर देता है। यानी करने का मतलब यह कहा, यह परामर्शदात्री है ये समिति, इसमें सभी सदस्य बैठकर आपस में क्या करते हैं, बात करते हैं। अब यहाँ बताया गया है चौथा नंबर बताया गया था नगर निगम के एक प्रमुख अंग था नगर आयुक्त। नगर निगम के
सभी कार्यों को देख रेख करने के लिए राज्य सरकार देख रेख करने के लिए सरकार अपने द्वारा नगर आयुक्त को नियुक्त करती है नगर आयुक्त भारतीय प्रशासनिक प्रशासनिक सेवा स्तर के अधिकारी होते हैं। नगर आयुक्त द्वारा कुछ नए सदस्यों को कुछ नए कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं। तो आप लोग को याद रखना नगर आयुक्त जो होते हैं इनका कार्यकाल जब तक नौकरी रहेगी तब तक सदस्य रहेंगे। अब आज इतना ही पढ़ाने दिया जाए, फिर कल आप लोग को इसके बारे में बताया जाएगा, नगर निगम के सभी कार्य के बारे में बताया जाएगा नगर निगम द्वारा, तथा उसका देखरेख जो नगर आयुक्त है कैसे करता है इसके बारे में मैं आप लोग को कल अब बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही।